रोटरी क्लब हमीरपुर का वार्षिक कार्यक्रम आयोजन निजी होटल में धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला गवर्नर 2018-19 रोटेरियन विजय सिंघल ने शिरकत की। विजय सिंघल का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब हमीरपुर प्रधान रोटेरियन डॉक्टर चंदन भारद्वाज, अशोक कुमार, राजेश शर्मा, पंकज लखनपाल के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर रोटरी मैगजीन रोटरी की बातों का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर जिला गवर्नर रोटेरियन विजय सिंघल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से रोटरी क्लब हमीरपुर ने बढ़िया काम किया है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब को इस तरह से जिला में काम करना चाहिए जिससे हर लोग रोटरी की प्रशंसा करें। उन्होंने कहा कि लोगों को रोटरी क्लब की जानकारी होनी चाहिए। बच्चा हो, CHD डिजीज हो, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में छेक हो, हार्ट एंड लास्ट स्ट्रोक प्रॉब्लम हो, उसका बिल्कुल निशुल्क इलाज करवाया जाता है, प्रोवाइडेड वो BPL फैमिली से बिलोंग करता हो या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता हो। और आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पिछले 4 सालों में 900 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैक्स एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है और आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, आपका कोई खर्चा नहीं है। वहां पर पेशेंट का रहने का, सहने का, खाने पीने का, हर एक चीज का बंदोबस्त है और मेडिसिन वगैरह सब निशुल्क दी जाती है। ऑपरेशन में 3 लाख रुपए लगे, 4 लाख रुपए लगे, कितना भी पैसा लगे। अभी जब मैं आज हमीरपुर आ रहा था तो मुझे कांगड़ा से प्रधान आदर्श का फोन आया था, उन्होंने बताया कि एक बच्चा हमारे पास है 9 साल का, वो मैंने उन्होंने लंगर साहब जो हमारे गिफ्ट ऑफ लाइफ के चेयरमैन है उनको रेफर किया। सो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमने पीछे जम्मू में कैंप लगाया था तो 122 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, दिल्ली से डॉक्टर आए थे। तो देखा गया है कि आमतौर पे ये जो प्रॉब्लम है ये J&K में या तो ज्यादा है या J&K लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है, तो ज्यादा लोग जो बच्चे आ रहे हैं पर्पस ज्यादा J&K से आ रहे हैं। तो आप अगर मैसेज स्प्रेड करें कि भी कई बार क्या है कि 3 लाख रुपया परिवार खर्च नहीं कर सकता, इसलिए वो इलाज के लिए कोशिश ही नहीं करता। तो अगर हम मैसेज स्प्रेड करेंगे पब्लिक में तो हो सकता है कि किसी फैमिली को, किसी परिवार को, किसी बच्चे को फायदा हो जाए। इसलिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन है जो ट्रैफिक अवेयरनेस के चेयरमैन है मिस्टर शर्मा, वो लुधियाना ग्रेटर क्लब से बिलोंग करते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या असिस्टेंट गवर्नर परम सैनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ही लॉस्ट हिज सन इन ए रोड एक्सीडेंट एंड ही हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर दिस कॉज और उन्होंने वंडरफुल प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी हुई है। आपने सिर्फ उनको इन्वाइट देना है, यहाँ पे किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आप प्रोग्राम रख लें ताकि हम यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे सकें ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, जिसकी हमें आज बहुत आवश्यकता है। आपको मालूम है कि नहीं, मुझे पता नहीं है कि इंडिया में जितने लोग ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, इतने लोग कभी किसी वॉर में जब से हिंदुस्तान बना है आज तक कभी नहीं मरे, और किसी टेररिस्ट अटैक में या किसी बीमारी से लोग इतने नहीं मरे हैं जितने हम रोड एक्सीडेंट में, जितने जाने खो जाते हैं। और उसके लिए जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने खुद देखी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस बंदे ने उसकी प्रेजेंटेशन देख ली, लाइव वीडियो प्रेजेंटेशन देख ली, उसके बाद कोई आदमी 2-व्हीलर पे बिना हेलमेट के नहीं जाएगा, बिना बेल्ट लगाए आप लोकल हमीरपुर में भी गाड़ी नहीं चलाएंगे बिना किसी खर्चे के, हम कर सकते हैं। और डेंटल केयर के ऊपर हम काम कर सकते हैं, जो स्कूल में सुबह के टाइम अगर असेंबली के टाइम पे हम डेंटिस्ट ले जाएं, क्योंकि हमने जलंधर में बहुत स्कूलों में ये किया है और बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं। सिर्फ आधा घंटे के लिए आपने जाना है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वेलकम के लिए आपने स्टैंडी लगाई है, आजकल ये फ्लेक्स बड़ी कॉस्टली नहीं है, सस्ती बन जाती है, तो आपका बस सिर्फ एक फ्लेक्स का खर्चा है और आप आधा घंटे के लिए टाइम ले प्रिंसिपल से। और ये जो कंपनियां हैं कॉलगेट और दूसरी पेस्ट वगैरह बनाती हैं, ब्रश पेस्ट बनाती हैं, ये छोटे छोटे ब्रश पेस्ट जो है ना फ्री सैंपल के भी देती हैं, तो उनको सिर्फ आप अवेयर करना है कि ब्रश कैसे करना है। इनफैक्ट आपको सही बतलाऊं कि मुझे खुद ब्रश करना नहीं आता था जब तक हमने लोग बच्चों को ब्रश करना नहीं सिखाया, कि भी हम अपने आप जैसा पेरेंट्स को करते हुए देखा वैसे हमने करना शुरू कर दिया। सही माने में आज जलंधर के अंदर एक डेंटल कैंप चेकअप कैंप लगाया तब मुझे सही माने में ब्रश करना आया। और उन्होंने वहां डॉक्टर ने हमें यह भी बताया कि हमें सुबह और शाम रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां इस हॉल में बैठे हैं 50% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो 2 बार ब्रश नहीं करते होंगे। और उन्होंने करते हैं, हाँ आप कर,